वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है सेफ स्टाइल में। तो आज दिखाते हैं हम आपको मेकिंग ऑफ पास्ता पिज़्ज़ा। तो हम ये एक वाइट सॉस पास्ता पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो हम अपनी डो को आप राउंड शेप दे रहे हैं पिज़्ज़ा की। एक रेगुलर साइज़ चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा रहेगा। तो हम इसमें जो चीज़ ब्रस्ट हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कैसे बनाते हैं, तो इसमें आज हम चीज़ ब्रस्ट स्किप करते हैं। और ये हमारा पिज़्ज़ा डो रेडी हो गया है। तो इसमें ऐड करते हैं हम वाइट सॉस पास्ता की जो क्रीम होती है वो हम इसमें ऐड करते हैं। और ये देखिए आप, हमारी वाइट सॉस पास्ता की क्रीम है ये। इसको ऐड किया हमने अपने रेगुलर पिज़्ज़ा बेस पे और इसको अब स्प्रेड करेंगे पूरे में अच्छे से। स्प्रेड इसको कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे, एज टू एज करेंगे, ताकि ये जो क्रीम का फ्लेवर है पूरे पिज़्ज़ा में रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने इसको स्प्रेड कर दिया है पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर, एज टू एज, ताकि जो फ्लेवर है क्रीम का वो पूरा पिज़्ज़ा में इक्वली आए। ये ना हो कि कहीं ज़्यादा क्रीम आ रही है, कहीं कम क्रीम आ रही है। इसलिए इसको बिल्कुल लेवल पे आप स्प्रेड करना अपने रेगुलर बेस पिज़्ज़ा पे। तो आइए इस पर अब हम मोज़रेला चीज़ डालते हैं। ये एक रेगुलर साइज़ पिज़्ज़ा है, तो इसमें आपकी मोज़रेला चीज़ जाएगी 50 ग्राम्स। और इसको भी हम कॉर्नर टू कॉर्नर स्प्रेड करेंगे मोज़रेला चीज़ को। आइए देखते हैं, मोज़रेला चीज़ स्प्रेड हो गई इसमें। ये लगभग आपकी 50 ग्राम्स टू 55 ग्राम्स जाएगी इसमें। और मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसकी टॉपिंग जो होती है। सबसे पहले टॉपिंग्स में आएगा ऐसा इसमें पास्ता। पास्ता स्प्रेड करके आप पास्ता को भी सेम बिल्कुल साइड साइड से स्प्रेड करना है इसमें। ये देखिए एकदम मस्त स्प्रेड हुआ है ये मोज़रेला चीज़ और वाइट सॉस पास्ता क्रीम। ये बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा होने वाला है, लग ही रहा है देखने से। देखिए हमारे पास्ता आ गया है। पास्ता को हम कॉर्नर टू कॉर्नर स्प्रेड कर रहे हैं। पहले हम आप सारे कॉर्नर फिल्स करेंगे इसकी टॉपिंग से, बाद में हम बीच में टॉपिंग्स ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये बॉयल पास्ता है। आप पिज़्ज़ा पास्ता बनाने से पहले पास्ता को ज़रूर बॉयल कर लीजिए, कच्चा मत डालिएगा, नहीं तो ये ओवन में बेक नहीं हो पाएंगे, कच्चे ही रह जाएंगे। ये हमने बॉयल कर लिया है पास्ता पहले ही, तब उसके बाद इसमें टॉपिंग ऐड की है। टॉपिंग ऐड हो गई है, अब हम इसमें ओनियन ऐड करेंगे। फ्रेश ओनियन है बिल्कुल, आप वीडियो में देख ही सकते हो, कोई भी सब्जी प्राणी नहीं है, सारी एकदम फ्रेश है। ओनियन ऐड करके देखिए कॉर्नर कॉर्नर में सारे ओनियन ऐड कीजिए, लास्ट में जाके आप बीच में इसमें ऐड कर सकते हैं ओनियंस को। पूरा कवर हो गया ये ओनियन और पास्ता से। अब इसमें आएगी गोल्डन कॉर्न्स। कॉर्न्स फिल करिए सारे पास्ता में। ये देखिए सारी वेजिटेबल हमारे पास पिज़्ज़ा की, और एकदम फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है ये वेजिटेबल्स। अब इसमें ऐड करते हैं हम मशरूम। मशरूम डलेगी पूरे पिज़्ज़ा में। मशरूम टॉपिंग ऐड करेंगे हम कॉर्नर टू कॉर्नर। और ये देखिए मशरूम्स, कॉर्न, ऑनियन और ब्लैक ऑलिव ऐड हो गए इसमें। जो वाइट पास्ता होता है उसमें जो टॉपिंग आती है वो सारी इसी में टॉपिंग जाएगी। ऊपर से इसको हल्का सा मोज़रेला चीज़ से कवर करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स जले ना और ये इससे उतरे ना। अगर नीचे जो हमारा मेन बेस है वो तो कवर है ही मोज़रेला चीज़ से, और ऊपर भी डालते हैं थोड़ी सी। अब ये चल रहा है हमारा ओवन की तरफ। ये हमने ओवन में रखा। ओवन का टेम्परेचर आपका 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उसी में आपका पिज़्ज़ा अच्छे से बेक होता है। ये हमने रख दिया है। और ये देखिए इस साइड से, ये एक कन्वेयर बेल्ट ओवन है पिज़्ज़ा के लिए, ये स्पेशली पिज़्ज़ा के लिए ही होता है, गार्लिक ब्रेड्स और पिज़्ज़ा। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेक होके आ गया है, बिल्कुल फ्लफी सा लग रहा है, मतलब अच्छा पफ आया है इसमें। और ये देखिए एकदम फ्रेश पिज़्ज़ा लग रहा है बिल्कुल। देखिए वेजिटेबल भी अच्छे से पकी हुई है, ओलिव भी, और हमारा पास्ता भी।
आइए इसको कट करते हैं। ये केक क्यूजाइन का हमारा वेजिटेबल ऑयल है, फैट फ्री। इसको हम पिज़्ज़ा के साइड वाले बेस पे लगाते हैं ताकि जो इसमें ड्राइनेस होती है वो ड्राइनेस हट जाए। अब इसके हम पीस करते हैं, 4 पीस पिज़्ज़ा रहेगा क्योंकि ये 6 इंच का रेगुलर साइज़ पिज़्ज़ा है, चीज़ बस्ट। तो इसको हम बिल्कुल धीरे से काटेंगे क्योंकि ये बहुत हैवी टॉपिंग का पिज़्ज़ा होता है ना, तो एकदम काटोगे तो आपको इसकी टॉपिंग निकल सकती है पिज़्ज़ा के बेस से। इसलिए इसको बिल्कुल उठा उठा के आराम से कट करिए। और ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए अच्छा लुक आया है पिज़्ज़े का, बिल्कुल टेस्टी लग रहा है फिर से ही। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो, अगली बार दिखाते हैं आप।